बिसम रीम माई नेम इज़ शकील आवान एंड आई एम योअर मैथ्स टीचर फ्राम हदफ़ कॉलेज पिशावर आज हम एक्सरसाइज फाइव की रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं जो लास्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज पहले हुआ करती थी ये तो उसमें सबसे पहले कुछ एम सी क्यूज़ हैं सात आठ एम सी क्यूज़ हैं तो वह करते हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आए जी पहला एम सी क्यू है टी तो एन तो की वैल्यू क्या दी हुई है एन है तो टी एन प्लस वन एन की इसमें एन प्लस वन रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे अगर मैं टी एन की वजह एन प्लस वन रिप्लेस करता हूँ एन प्लस वन और राइट right साइड पे भी एन की एन प्लस वन तो सिक्स इन एन प्लस वन प्लस फाइव तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सिक्स एन प्लस सिक्स प्लस फाइव तो दिस इज इक्वल टू सिक्स एन प्लस इलेवन तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है वन प्लस टू बाई थ्री प्लस सिक्स बाय थ्री स्क्वे प्लस टेन बाय थ्री क्यूब तो ये एक पूरा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है एमसीक्यूज में लेकिन वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस जानना चाहता है तो बाजा लंबा क्वेश्चन भी आ जाता है तो ये देखें क्या लिखा हुआ है? वन प्लस टू बाय थ्री इसे लिख सकता हूं टू इंटू वन बाय थ्री प्लस सिक्स इंटू वन बाय थ्री का स्क्वायर प्लस टेन इंटू वन बाय थ्री का क्यूब कुछ पहचान हुई इसकी ये कौन सी सीरीज है अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन के दौरान मैं आपको बताता था कि ये वाली जो टर्म्स हैं ये क्या बना रही हैं अरिथेमेटिक बना रही हैं ये और ये अरिथमेटिक ये और अरेथमेटिक इनका डिफरेंस कितना आ रहा है डिफरेंस इनका फोर आ रहा है तो ये अरिथमेटिक है और ये हमारे पास जोमेट्रिक है लेकिन सवाल ही पैदा होता है इसका और इसका डिफरेंस भी फ़ोर होना चाहिए इसका इसका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए फोर होना चाहिए जबकि इधर क्या लिखा हुआ है वन तो इस वन को मैं मिटा देता हूँ इसको फोर लाने के लिए टू में से फोर को माइनस करें टू में से फोर को माइनस करें तो कितना आ जाता है माइनस टू आ जाता है माइनस टू प्लस टू मैं इधर लिख देता हूँ क्या लिख दिया है टू में से फोर को माइनस किया तो माइनस टू माइनस टू खुद से लिखा है तो प्लस टू भी लिखा है और एक चीज़ हमने अपनी तरफ से रब कर दी थी वो इसके साथ ऐड कर देते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये चीज़ टू है तो इससे पिछले वाली टर्म माइनस टू होनी चाहिए इस और इसके दरमियान डिफरेंस तो इसी को फर्दर आप देखें तो इन दोनों से कितना आता है इन दोनों से थ्री आता है मैं फिर लिख देता हूँ प्लस माइनस टू प्लस टू इंटू वन बाई थ्री प्लस सिक्स इंटू वन बाई थ्री का स्क्वेयर प्लस वन तो देख लें थ्री तो एज इट इज रहेगा ये थ्री किसी सीरीज में नहीं आता लेकिन ये जो है इसको अगर आप देखें यहां से लेके यहां तक यह अरिथमेटिको जोमेट्रिक सीरीज है ए वन की वैल्यू इसमें है वन ए वन की वैल्यू है माइनस टू डिफरेंस फोर है और ये वाली टर्म देखें वन बाय थ्री वन बाई थ्री स्क्वायर वन बाई थ्री क्यूब है तो आर की वैल्यू है वन बाय थ्री उसका फार्मूला लगा दें इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगा दें थ्री तो अपनी जगह पे आएगा प्लस ए वन ओवर वन माइनस आर कितनों को याद है ये फार्मूला डी आर ओवर वन माइनस आर का स्क्वायर मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ कि थ्री प्लस ए वन की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू वन माइनस वन बाय थ्री प्लस डी आर डी से मुराद है फोर इंटू वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय थ्री का स्क्वायर आपको इतना बता दू कि वन माइनस वन बाय थ्री कितना होता है वन माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री होता है बिशकैल्सियम लेके देख लें तो यहाँ पे हम टू बाय थ्री लिख देंगे तो दिस इज इक्वल टू तो थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय टू बाय थ्री प्लस फोर बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू बाय थ्री इधर भी आता है उसका स्क्वायर फोर बाय नाइन आ जाएगा कितना आएगा फोर बाय नाइन टू टू के साथ कैंसर ये फोर फोर के साथ थ्री थ्री जैर नाइन ये थ्री ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आंसर आता है थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री तो ये दोनों कैंसर आंसर कितना आ गया थ्री तो ऑप्शन C is the correct option. तो ये छोटा क्वेश्चन नहीं है इसको कोई छोटा मेथड होता तो जरूर मैं करवा देता इसका एक दूसरा मेथड भी है लेकिन वो इससे लेंथ ही पढ़ता है तो ये ही मेथड है और बाजोकात एक एक क्यू ऐसा दे देता है वो पेपर में कि उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब इसमें देखें इसमें आपसे कहते हैं सम दीरीज दिस अप टू हंड्रेड इंटू टू रेस्टू पावर नाइनटी नाइन तो फिर इसी क्वेश्चन के अंदर ही देखें यहाँ पे वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ये शुरू वाली जो टर्म्स हैं ये अरिथमेटिक है और ये वाली जो टर्म्स हैं ये वाली जो टर्म है ये ज्योमेट्रिक है तो अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक है तो अप टू इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें तो कितनी है यहाँ से वन से शुरू होते इधर टू थ्री अप टू हंड्रेड टोटल हंड्रेड टर्म्स हैं टोटल हंड्रेड टर्म्स हैं तो इस पर एरेथमेटिक और ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला एन टर्म्स के लिए हम लगा देते हैं तो एन टर्म्स के लिए उसका फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए वन ओवर वन माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर का स्क्वेयर माइनस डी आर इज टू पावर एन ओवर वन माइनस आर इज स्क्वेयर माइनस ए वन प्लस एन माइनस वन इन डी इंटू आर इज टू पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर अगर याद हो तो ये फार्मूला है अरिथेमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज का अच्छा खासा लंबा फार्मूला है अब इसी फॉर्मूले में ए की वैल्यू क्या है ए इज इक्वल टू वन है डी इज इक्वल टू वन है आर इज इक्वल टू टू है आर की वैल्यू हमारे पास टू है तो इसमें पुट कर दें तो ए की वैल्यू हमारे पास वन डिवाइडेड बाय वन माइनस टू प्लस डी आर डी आर मीन्स वन इंटू टू टू डिवाइडेड बाय माइनस टू का स्क्वेयर माइनस डी आर टू पावर एन यानी टू रेस्ट टू पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस टू का स्क्वेयर माइनस ए वन वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन टू पावर डिवाइडेड बाय तो देख लें क्या आ जाता है इससे माइनस वन आ जाएगा इससे प्लस टू आ जाएगा इससे माइनस टू रेज टू पावर एन आ जाएगा इससे कितना आएगा ये वन इस वन के साथ कैंसर ये माइनस वन आता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू रेज टू पावर एन अच्छा d की वैल्यू हमारे पास इसके साथ n भी आता है मैं कह ये कैंसल क्यों नहीं होता तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आ गया टू रिस्ट पावर n है प्लस टू रिस्ट पावर n कॉमन तो वन प्लस n अब इसमें आपने करना क्या है यहां से लेके यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हंड्रेड हं। हं। है तो n की वजह हंड्रेड हं। पुट कर दें तो एन की वजह मैं इसमें हंड्रेड पुट करता हूं ब्लैक पेन से पुट करता हूं तो एन की वजह क्या पुट कर रहा हूं हंड्रेड तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टू रे सुपावर तो हंड्रेड और वन प्लस हंड्रेड कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एंड वन वन प्लस एन है कि हंड्रेड प्लस वन एन की वजह आपने क्या पुट करना है अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हंड्रेड है नंबर ऑफ टर्म्स तो हंड्रेड है इसमें तो एक ऑप्शन भी नहीं आ रही वन प्लस हंड्रेड टू रेज टू पावर हंड्रेड वन प्लस हंड्रेड इधर वन जीरो वन आएगा तो एमसी क्यू में मिस्टेक होती है तो इसमें भी देखें देखें हमसे तो गलती कोई नहीं हुई बिल्कुल ठीक है भाई टू रेस्ट टू पावर एन वन माइनस टू प्लस वन आता है ठीक है इधर भी टू रेस्ट पावर एन है और इधर एन है बिल्कुल ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी कि हंड्रेड है तो इसकी ऑप्शन ये आती है ये इसमें एक ऑप्शन में भी नहीं है बहरहाल ये हमारा कसूर नहीं है इसका कसूर है पॉसिबली ये हो सकती है अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें वो आ जाती ये इससे मैच करता है लेकिन ये वाला नंबर इसके साथ मैच नहीं करता इधर एन माइनस वन तो नहीं है हाँ यहां पे एन माइनस वन आता एन माइनस टू रेस्टू पावर एन तो एन माइनस वन तो हंड्रेड माइनस वन नाइनटी नाइन उसकी गलती नहीं है हमारी मिस्टेक थी ये और ये मैच करते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखें नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है द द ऑफ़ सीरीज दिस इज़, तो एक घर में कितने बच्चे रह रहे हैं दो दो रह रहे हैं तो आप इसको देखें दो ब्रैकेट्स लगा दें वन प्लस एन माइनस वन में डिफरेंस कितना है वन का इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म टू प्लस एन माइनस वन फाइव पॉइंट वन में हमने ये काम किया था इन टू तो डिफरेंस इसमें भी वन का है तो इससे देख लें वन वन के साथ कैंसर एन इन एन प्लस वन तो इससे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एन स्क्र एन टर्म फाइंड करनी थी फिफ्थ पार्ट में देखें द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज एन एट टर्म इज टर्म ये दी हुई है ए एन की वैल्यू उसने दी हुई है वन प्लस टू रेस्ट टू पावर एन कहते हैं इसका सम फाइंड करें तो समीशन लगा दें इम्प्लाइज दैट समीशन ए एन इज इक्वल टू समीशन वन प्लस टू रेस्ट टू पावर एन समीशन वन एन के इक्वल हो जाता है और इसको जब आप खोलते हो एन इज इक्वल टू वन टू एन ये तो वन प्लस टू प्लस सॉरी टू रेस्ट टू पावर वन आएगा टू रेस्ट टू पावर टू टू रेस्ट टू पावर एन फार्मूला पुट कर दें इसमें एन प्लस फार्मूला कौन सा होगा ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला क्या होता है ए वन आर एज टू पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन तो फार्मूला आएगा टू रेस्ट टू पावर ए वन की वैल्यू है टू टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन ओवर टू माइनस वन तो देखें क्या आ जाएगा टू रेस्ट पावर एन ऑप्शन देखें एन प्लस टू इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन ये ऑप्शन है ऑप्शन सी और ये देखें ये दोनों मैच करते हैं तो इसकी ऑप्शन हमारे पास ये आ जाएगी ये ज्योमेट्रिक सीरीज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज तो नहीं थी बल्कि ये हमारे पास एक भी अरिथमेटिक सीरीज थी दूसरी भी अरिथमेटिक थी ये पहले वाली कौन सी थी पहले वाली तो एन आ गया और दूसरी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज थी जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कहते हैं समीशन थ्री प्लस टू रेस टू पावर आर वेयर आर इज इक्वल टू वन अप टू टेन तो, तो ये पिछले क्वेश्चन की कॉपी है पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है उसी में हम समीशन जब लगाते हैं तो समीशन थ्री किसके थ्री आर प्लस किसकेशन टू रेस टू पावर आर किसके अभी हम करके आए हैं अभी उसका आंसर क्या आया था टू इन टू टू रेस टू पावर आर माइनस वन ये आ गया था अब इसी में आर की वैल्यू क्या पुट कर दें टेन पुट कर दें आर इज इक्वल टू टेन पुट कर दें पुट आर इज इक्वल टू टेन थ्री इंटू टेन थर्टी प्लस टू इंटू टू रेस्ट टू पावर टेन माइनस वन टू रेस्ट टू पावर टेन माइनस वन जी टू रेस्ट पावर टेन इक्वल होता है टू रेस्ट टू पावर टेन मैंने आपको कहा था कि टू की पावर्स आपको याद होनी चाहिए टू रेस्ट टू पावर टेन होता है वन जीरो टू फोर तो वन जीरो टू फोर में से माइनस करें तो वन जीरो टू थ्री इंटू टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सिक्स फोर जीरो टू टू जीरो फोर सिक्स आ जाएगा टू जीरो फोर सिक्स में थर्टी ऐड करें थर्टी समेशन थ्री आर है तो ये हमारे पास आ जाते थर्टी प्लस टू जीरो फोर सिक्स टू जीरो सेवन सिक्स आते ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन देख लें यही आते हैं ना तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टर्म ऑफ द सीरीज दिस पार्ट नंबर सेवन देख लें वो कहते हैं एन टर्म ऑफ द सीरीज दिस अब देखें ए वन क्या है ए टू क्या है ए थ्री क्या है ए वन में एक टर्म आ रही है ए टू में दो टर्म्स हैं ए थ्री में ऊपर तीन टर्म्स आ रही है ए फोर में कितनी होंगी चार होगी ए फाइव में कितनी होंगी फिफ्थ होंगे तो बताएं ए एन में ए एन में कितनी होंगी ए एन में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन इधर सेकेंड टर्म है ये टी टू है तो नीचे टू आता है टी थ्री है तो नीचे थ्री, थ्री आता है तो ये टी एन है टी एन है या ए एन है तो इधर n आएगा लेकिन ऊपर वाला देखें किसके इक्वल होता है ऊपर वाला समेशन k k इक्वल होता है नीचे n लेकिन समेशन k किसके इक्वल है n n 1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय n n n के साथ कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा n 1 डिवाइडेड बाय 2 इस करेक्ट ऑप्शन तो इसकी ऑप्शंस तो हमने लिखे ही नहीं है बेहतर अपनी बुक से आप लिख लें इसकी ऑप्शन कौन सी होगी एन प्लस में आप ऑप्शन से ये वाली ऑप्शन होगी अब ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है ये अगर आम तरीके से किया जाए तो आपकी सांस फूल जाएगी ये लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका आपको बताता हूँ जब भी आपको कोई सीरीज दी हो और उसकी उसका सम फाइंड करना हो उसका सम आपको चार ऑप्शन दी हुई हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज तो अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाता है दो तीन पेज दो पेज का कम से कम क्वेश्चन पड़ जाता है तो आप नॉर्मल तरीके से इसको ना करें इसमें आप ऑप्शन टू देखें एक दो क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन टू आंसर और एक होता है आंसर टू क्वेश्चन तो इसमें हम आंसर टू क्वेश्चन जाएंगे आंसर पहला अच्छा सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लो इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है टी वन इज इक्वल टू वन क्यूब इज इक्वल टू वन टी टू क्या है थ्री क्यूब इज इक्वल टू टी थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन टी थ्री क्या है फाइव क्यूब इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव सबसे पहले ये फाइंड कर लें फिर आप इसका एस वन फाइंड करें एस वन मीन्स टी वन इज इक्वल टू वन है एस टू फाइंड करें एस टू मीन्स टी वन प्लस टी टू इज इक्वलटी सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी एट इसी का टी थ्री फाइन करें एस थ्री फाइन करें एस थ्री मीन्स टी वन प्लस टी टू ये आसान तरीका है इज इक्वल टू वन प्लस ट्वेंटी एट ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी फाइव इसको ऐड कर लें तो ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट और दूसरा कौन सा है वन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कितना बनता है थ्री वन फिफ्टी थ्री बनता है तो इससे आ जाएगा वन फिफ्टी थ्री सबसे पहले इस किस्म के क्वेश्चन में जिसमें सीरीज गिवन हो और आपको उनका सम का आंसर भी दिया भी दिया हो और आपने वो तलाश करना हो कि कौन से वाला सम ठीक है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं फर्स्ट आ, इसको एस एन कह देते हैं ऑप्शन नंबर ए को लेता हूं एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर टू एन स्क्वेयर माइनस वन अब इसमें एन की वजह वन पुट करें ये बारी बारी सब पे आपने ट्राई करना है जिससे वो आंसर निकल रहे हो तो वो ठीक होगा ऑप्शन ठीक होगी एस वन मीन वन इंटू टू इंटू वन का स्क्वेयर माइनस वन तो टू माइनस वन इज इक्वल टू वन पहली ऑप्शन तो ठीक है एक भी गलत हो तो उसको छोड़ दें एस टू ले टू पुट करें टू स्क्वायर टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस वन तो फोर फोर 2 आर एट एट माइनस वन सेवन सेवन फॉर आर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट आते हैं इधर भी क्या आ रहा है ट्वेंटी एट एस थ्री अगर ये भी ठीक आ गया तो यही ऑप्शन ठीक होगी बाकी सारी गलत है तो टू का क्यूब नहीं इधर थ्री का स्क्वेयर थ्री पुट करें थ्री स्क्वेयर टू इंटू थ्री स्क्वेर माइनस वन तो यह आ जाएगा नाइन इंटू नाइन फोर जार थर्टी सिक्स माइनस टू इंटू थ्री का स्क्वेयर एन की बजाय आपने क्या पुट किया है थ्री पुट किया है तो थ्री स्क्वे नाइन थर्टी फाइव नाइन जार थर्टी फाइव नाइन थ्री आर ट्वेंटी सेवन और टू ट्वेंटी से नाइन फाइव ये गलत आ रहा है इसका मतलब है ये ऑप्शन नहीं है इसी तरह बस मेथड इसका यही है आपने बारी बारी एक दफ़ा ऐसे इसको लेना है एक दफ़ा इसको एक दफ़ा इसको यह आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ आपने एन में वैल्यूज़ पुट करें शायद मैंने कहीं वैल्यू गलत पुट की है कि ऑप्शन बहरहाल आपने ये वाली वैल्यू उसमें पुट करनी है एन की बजाय वन टू थ्री इसमें पुट करें इसमें भी इसमें भी इसमें भी जिससे ये आंसर निकल रहे हैं तो वो आंसर ठीक होगा तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर वन की तरफ चलते हैं अच्छा लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था अच्छा क्वेश्चन नंबर वन के जो कैलकुलेशन है पार्ट एट uh, वो शायद कैलकुलेशन uh, में लास्ट वाले स्टेप में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वो जरा आप लोगों ने चेक कर लेनी है अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू आप देखें तो ये बुक वाले बड़े अच्छे हैं कि एक ही क्वेश्चन को दो दो बार दे देते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू है और क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन टू फाइव पॉइंट वन का आप ये देखें बिल्कुल वही क्वेश्चन ये रिव्यू एक्सरसाइज का है और ये क्वेश्चन नंबर टू तो इसको करने की जरूरत नहीं है वही क्वेश्चन आप लोगों ने रिपीट कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखें आप सिमिलरिटीज तलाश किया करें ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है उसमें पहले हम एन टर्म्स तक होते हैं फिर नाइनटी नाइन तक जाते हैं इसमें सिर्फ एन टर्म्स तक मांगा हुआ है तो वही क्वेश्चन फाइव पॉइंट वन वाला आप लोगों ने कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल लेट आसान सा क्वेश्चन है लेट एस एन इज इक्वल टू वन डॉट थ्री डॉट फाइव प्लस टू डॉट फोर डॉट सिक्स प्लस थ्री डॉट फाइव डॉट सेवन इसमें आपने करना क्या है कि एक कमरे में कितने बच्चे रह रहे हैं तीन तो इसकी एन टर्म फाइंड करने की आपको प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आप इसके लिए तीन ब्रैकेट्स लगा दें बाकी बिल्कुल आसान है इसकी सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने करनी है मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूं वन प्लस वैसे भी ये रिव्यू एक्सरसाइज है एन माइनस वन इंटू डिफ्रेंस इसका कितना आता है वन इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू वन इसमें फर्स्ट टर्म फाइव प्लस एन माइनस वन और फाइव और सिक्स में डिफरेंस वन है तो इससे ये वन इस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा इधर एन आ जाएगा इधर एन प्लस टू आ जाएगा और इधर एन प्लस फोर आ जाएगा एन माइनस वन प्लस फाइव फाइव माइनस वन फोर इसको मल्टीप्लाई कर दें एन इंटू एन स्क्वेयर प्लस फोर एन प्लस टू एन सिक्स एन प्लस एट तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन क्यूब प्लस सिक्स एन स्क्वेयर प्लस एट एन टी एन की वैल्यू मेरे पास ये आ गई तो टीके की वैल्यू क्या आ जाएगी टीके की वैल्यू अगर आप देखें तो के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वेयर प्लस एट के टीके की वैल्यू टीके जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं टीके के बाद आप इस पे सबमिशन अप्लाई करते हैं अप्लाइंग सबमिशन ऑन बोथ साइड नीचे आपने क्या लिखना है अप्लाइंग सबमिशन ऑन बोथ साइड समीशन टीके इज इक्वल टू के क्यूब की वैल्यू सबमिशन के क्यूब प्लस सिक्स सबमिशन के स्क्वेयर प्लस एट सबमिशन के तो देखें के क्यूब सबमिशन के क्यूब की वैल्यू क्या है एन स्क्वेर एन प्लस वन होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर सिक्स समीशन के स्क्वेयर की वैल्यू एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस इसकी वैल्यू है एट इंटू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ये टू इस टू के साथ फोर कैंसर ये तो फोर तो इसी तरह रहेगा ये सिक्स इस सिक्स के साथ कैंसर देखिये कॉमन क्या चीज आती है कॉमन आती है इसमें एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन तीनों में एन इंटू एन प्लस वन कॉमन तो अंदर रह जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर एन इंटू एन प्लस वन कॉमन टू एन प्लस वन और इधर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा फोर बस थोड़ा सा काम आपके लिए मैंने छोड़ा है इसको सिंप्लीफाई कर लें इसको सिंप्लीफाई करें आंसर आपके सामने हाथ बांध के खड़ा होगा तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सम आगे है एस एन हमारे पास आगे कोई मुश्किल मेथड नहीं वही पुराने वाला फाइव पॉइंट वन का क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर अगर आप देखें तो वो ये क्या कहता है वन ओवर वन डॉट फोर डॉट सेवन प्लस वन ओवर फोर डॉट सेवन डॉट टेन प्लस वन ओवर कितने का डिफरेंस आ रहा है थ्री थ्री का डिफरेंस आ रहा है वन ओवर सेवन डॉट टेन डॉट थर्टीन प्लस वन अप एन टर्म्स इसका सम फाइंड करना है अगर इसका सम आपने फाइंड करना है तो इसको पहले नाम दे दें इसका टीएन फाइंड कर ले पहलेक्वल डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं? तीन टर्म्स हैं। जितनी टर्म्स हो मैंने कहा है उतनी ब्रैकेट लगा दें आपको आदि हो जाना चाहिए फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट में ये वाली टर्म थर्ड ब्रैकेट में ये वाली सेवन प्लस एन माइनस वन फार्मूले का और डिफरेंस देख लें वन और फोर में डिफरेंस कितना है थ्री का तो आपने थ्री लगा दिया प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री इसी को सिम्प्लीफाई करें वन ओवर वन प्लस थ्री एन माइनस थ्री फोर प्लस थ्री एंड माइनस थ्री और फर्दर आ जाता है सेवन प्लस थ्री एंड माइनस थ्री तो इसी को जब आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है थ्री एंड माइनस वन थ्री एंड माइनस वन या थ्री एंड माइनस टू आता है थ्री एंड माइनस टू और इससे कितना आ जाएगा थ्री एन प्लस फोर थ्री थ्री का डिफरेंस आ रहा है टी एन की वैल्यू ये है अब मैं इस पे रेसिप्रोकल सीरीज का वो जो आपको मेथड बताया था क्योंकि ये अगर मैं पास्ट फ्रैक्शन से करूं तो इससे बहुत लेंथी हो जाएगा तो वो वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं खुदा ना करे ये क्वेश्चन पेपर में आए लेकिन अगर आ जाए तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो तो ये जो मेथड बता रहा हूं मैजिक मेथड एस एन इज इक्वल टू सी माइनस वन ओवर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन इंटू डी इंटू टी एन विद फर्स्ट टर्म निग्लेक्टेड निगलेक्टेड को एन ई जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म को हमने निगलेक्ट करना होता है तो देख लें इस मेथड में सी माइनस वन और नंबर ऑफ टर्म्स देखें कितनी है वन टू थ्री इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है थ्री माइनस वन और डिफरेंस कितना आ रहा है थ्री का इनटू टू टी एन टी एन आपने यही लिखनी है लेकिन पहले बच्चे को घर छोड़ के जाना है ये शरारती बच्चा है इसको नहीं ले जाना तो हम इधर लिखेंगे वन ओवर थ्री एन प्लस वन इंटू थ्री एन प्लस फोर तो दिस इज इक्वल टू टू आएगा टू थ्री आर सिक्स सी माइनस वन ओवर सिक्स थ्री एन प्लस वन इंटू थ्री एन प्लस अब इसमें फसाद की जड़ सी है सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इससे इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं तो हम क्या करते हैं n की वजह इसमें वन पुट कर देते हैं क्या करते हैं n के बजाय वन तो उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं हम पुट n इज इक्वल टू वन करते हैं n इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन तो देखें एस वन क्या आ जाएगा एस वन इज इक्वल टू C माइनस वन ओवर सिक्स थ्री प्लस वन एंड थ्री प्लस फोर लेकिन s1 वन किसके इक्वल है s1 वन किसके इक्वल है t1 वन के सिंस s1 वन इज इक्वल टू वन होता है शुरू में आपको बताया था s1 वन वन के बराबर होता है तो C माइनस वन ओवर सिक्स इंटू फोर इंटू सेवन लेकिन टी वन की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म कौन सी है तो आप गिवन सीरीज में देखें फर्स्ट टर्म है एम्प्लाइज दैट इस टी वन की वजह मैं पुट कर रहा हूं वन ओवर वन इंटू फोर इंटू सेवन इज इक्वल टू सी माइनस वन ओर सिक्स इंटू फोर इंटू सेवन अब आप क्या करो इस माइनस इन तीनों को तो पहले मल्टीप्लाई कर दो फोर सेवन आर ट्वेंटी एट इंटू सिक्स फोर सेवन ट्वेंटी एट वन सिक्सटी एट आता है तो वन ओवर ट्वेंटी एट इज इक्वल टू सी माइनस वन ओवर सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट अब यही माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ओवर दी एट प्लस ओवर एट इज इक्वल टू सी एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट एल्सियम आते हैं तो इधर सिक्स आ जाएगा प्लस वन इंप्लाइज दट सी इज इक्वल टू सेवन बाय सिक्सटी एट तो c की वैल्यू आ जाती है वन बाय सेवन कटेगा सिक्स फोर ट्वेंटी फोर आ जाएगा ये c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें ये पुट इन वन वन में पुट करेंगे तो एस एन की वैल्यू c माइनस वन ओवर सिक्स इंटू थ्री एन प्लस वन एंड थ्री एन प्लस फोर लेकिन अगर आप देखें अगर एन तक पूछा है तो यहाँ तक क्वेश्चन है अगर इन्फिनिटी तक पूछा है क्वेश्चन में अगर इन्फिनिटी तक पूछे तो एस इन्फिनिटी एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इसके बजाय ट्वेंटी फोर वन ओवर ट्वेंटी फोर वन ओवर ट्वेंटी फोर माइनस वन ओवर इन्फिनिटी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू वन ओवर ट्वेंटी फोर तो ये था आज का लेक्चर नेक्स्ट काम जो हम करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे थैंक यू